पहला दिन याद है जब पहला शॉट दिया था निमा के लिए? बिल्कुल बिल्कुल याद है, पहला शॉट जब दिया था, पहला जब मॉक शूट हुआ था, ऑडिशन हुआ था, सब याद है। अपने फैन से कोई मैसेज? बस फैन से यही मैसेज देना चाहूंगी कि थैंक यू सो मच निमा को इतना सारा प्यार देने के लिए, और सुरभि को भी इतना सारा ही प्यार दीजिएगा। मैं बहुत जल्द कोशिश करूंगी आप लोगों के पास वापस आने के लिए एक नए कैरेक्टर के साथ, एक नए कैरेक्टर के साथ। तब तक बस दुआओं में याद रखिएगा। Thank you so much. Ciao. और हमने देखा लास्ट डे के समय बहुत ही अच्छा मैसेज चल रहा था, पूरे स्टार्ट से एंड तक का पूरी बात चली, जहाँ अपनी बेटी की बात हो रही है, कितना इमोशनल मोमेंट था और बहुत ही रोमांटिक भी था। बिल्कुल, बहुत ही एक हैप्पी नोट पे हम ख़त्म कर रहे हैं हमारा सीरियल। और मैं हमेशा से चाहती थी कि नीमा ने इतना ज़िंदगी में यू नो स्ट्रगल देखा है, कि मैं चाहती थी कि नीमा, सुरभि चाहती थी कि नीमा का एक हैप्पी एंडिंग हो, वो खुश रहे, और वैसा ही हुआ है थैंक्स टू आर राइटर्स, थैंक्स टू आर क्रिएटर्स जिन्होंने लिखा है वैसे। एंड आई एम फॉर एवर ग्रेटफुल जितना भी प्यार दिया है ऑडियंस ने। और आज लास्ट डे, ऑब्वियसली इट इज़ एन इमोशनल जर्नी, आज भी बहुत ज़्यादा बुरा, डेफिनेटली बहुत बुरा लग रहा है, बिकॉज इट्स बिन अ ईयर कि हम ऐसे कर रहे हैं नीमा, एंड इतना सारा प्यार मिला है लोगों का, तो थैंक यू सो मच। बस मैं इतना ही बोलना चाहूँगी।